Hello dear students, welcome to English class. Today we are going to start a new chapter from reader course book, that is Salted Crabs. So this chapter is about a boy who is very lazy and careless. Okay, and one day his mother tells him to bring something from the market. Now what he brings from the market and what happens to the things that he brings from the market, so that we are going to study in this story. Okay, so let's start. Take the qualities you think you should have: careful, thoughtful, careless, lazy, foolish, honest. So here some qualities are mentioned. You have to take the qualities that we should possess, and they are careful. क्या हमें careful होना चाहिए? Yes. So we'll take careful. Thoughtful होना चाहिए? Yes. Careless होना चाहिए? No. Lazy? No. Foolish? No. And honest? Yes, we should be honest. So we should possess these qualities, that is, we should be careful, thoughtful and honest. Okay, next, now let's start the reading. In a village far away, there was a boy named Johan. Johan had a white rooster named Carly and a black dog called Chai. In a village far away, एक बहुत दूर एक गांव था, और वहाँ पर उस गांव में एक जोहन नाम का एक लड़का रहता था. जोहन हैड अ वाइट रूस्टर, उसके पास एक वाइट रूस्टर था. रूस्टर मीन्स मुर्गा. एंड द नेम ऑफ द रूस्टर वॉज कार्ली, एंड ही वॉज ऑल्सो हैविंग ब्लैक डॉग कॉल्ड चाय. और ब्लैक डॉग था, उसका नाम क्या था? चाय. द नेम ऑफ द रूस्टर वॉज कार्ली एंड द नेम ऑफ द डॉग वॉज चाय. Johan loved to talk and play with Carly and Chai all day long. So Johan को उन rooster और उस dog के साथ में खेलना बहुत पसंद था. वो सारे time, सारे दिन उनके साथ खेलता रहता था. He imagined the three of them were great explorers, but the people in the village knew that. So he thought that जो उसके जो companions हैं Carly और Chai, और वो लोग बहुत बड़े एक्सप्लोरर हैं और वो बहुत चीज़ें कर सकते हैं. अपने आप को वो बहुत स्मार्ट और वैसे समझता था. लेकिन बट द पीपल इन द विलेज न्यू दैट जोहन वॉज वेरी केयरलेस. बट द पीपल इन द विलेज दे न्यू दैट जोहन वॉज वेरी केयरलेस. वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता था, बहुत ही लेजी था. ही वॉज ऑल्सो लेजी. His pets knew it too. और उसके जो pets हैं dog और rooster, उन्हें भी इस बात का पता था कि Johan जो है ये बहुत ही lazy है. One afternoon he was playing near the village pond. His mother called him, Johan, I need some salt. Go to make a shop and buy some. And buy five nice fat crabs also. So one afternoon, एक दोपहर को क्या हुआ कि he was playing near the village pond. एक बार वो जो गांव है उस वहाँ पर पॉन्ड है, वहाँ पर वो खेल रहा था, है ना. और तभी उसकी मम्मा ने उसको अचानक आवाज़ दी. हिज मदर कॉल्ड हिम, जोहन आई नीड सम सॉल्ट. मुझे कुछ नमक की ज़रूरत है. आई नीड सम सॉल्ट. गो टू मिकेश शॉप एंड बाय सम. तो उनके गांव में किसी की शॉप थी, जिनकी शॉप थी उनका नाम था मिकी. तो वो कह रही थी कि मिकी की शॉप पर जाकर तुम कुछ सॉल्ट या नमक खरीद कर ले आओ. एंड बाय फाइव नाइस फैट क्रैब्स ऑल्सो. और कुछ बड़े बड़े मोटे मोटे क्रैब्स भी लेके आ जाओ. तो इस तरह से उसकी मम्मी ने उसे कुछ मतलब वो भेजना चाह रही थी ताकि वो मार्केट से सॉल्ट और क्रैब्स खरीद कर ले आए. ओके, नेक्स्ट पेज. ओके मदर, आई विल गो राइट अवे, ही सेड. फॉर जोहन इट मीन्ट ही कुड गो एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस. तो वो फटाफट तैयार हो गया. उसने मम्मी को कहा कि हाँ मम्मा, मैं फटाफट जाता हूँ और मैं लेके आता हूँ. और जोहन ये सोच रहा था कि अच्छा है, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं अलग अलग जगह को सर्च करूँगा, उन्हें एक्सप्लोर करूँगा, यहाँ वहाँ घूमूंगा. तो वो बहुत एक्साइटेड होके उसने हाँ भर दी. जोहन सेट ऑफ फॉर द मार्केट विथ कार्ली एंड चाय. सो जोहन मार्केट अकेला नहीं गया, बल्कि अपने जो कंपेनियंस हैं, जो उसके पेट्स थे रूस्टर और डॉग, उन दोनों को भी साथ ले गए. ऑन द वे सम पीपल आस्क्ड हिम इफ ही वाज सेलिंग हिज रूस्टर. तो
सो ऑन द वे सम पीपल आस्क्ड हिम इफ ही वॉज सेलिंग हिज रूस्टर. तो जब रास्ते पे वो लोग जा रहे थे तो कुछ लोगों ने पूछा जॉहन से कि क्या तुम अपना रूस्टर बेच रहे हो, सेल कर रहे हो हमें. कार्ली फ्लफ्ड हिज फेदर्स एंग्रीली. सो कार्ली जो रूस्टर है उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और ही फ्लफ्ड हिज फेदर्स एंग्रीली. फ्लफ्ड मीन्स पंखों को बड़ा करना, और उसने गुस्से में पंखों को बड़ा करके उसे डराने की कोशिश की. जॉहन वॉज नॉट गोइंग टू सेल हिम, ही वॉज गोइंग टू बाय सॉल्ट एंड क्रेस्ट फॉर हिज मदर. सो जॉहन वॉज नॉट गोइंग टू सेल रूस्टर और अ डॉग, ही वॉज जस्ट गोइंग टू बाय सॉल्ट एंड क्रैब्स फ्रॉम द मार्केट एज हिज मदर टोल्ड हिम. कार्ली वंडर्ड अबाउट फॉलोइंग चाय एज ही चेज्ड एवरी मूविंग थिंग. सो वॉट कार्ली वॉज डूइंग, जब वो लोग रस्ते पे जा रहे थे तो जो कार्ली डॉग जो है वो क्या कर रहा था, वो हर चीज़ जो भी मूविंग थिंग जो भी उसे हिलती डुलती हुई चीज़ दिख रही थी वो उसको चेज कर रहा था, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था. जॉहन वॉक्ड अहेड, और जॉहन आगे आगे चल रहा था. फाइनली दे रीच्ड मिकी शॉप, और एट लास्ट दे रीच्ड मिकी की जो दुकान है उस पर वो लोग आ गए. जॉहन आस्क्ड फॉर सम सॉल्ट एंड फाइव क्रैब्स. सो जॉहन सेड आस्क्ड फॉर, उसने कहा दुकान वाले से, मिकी को कहा कि मुझे थोड़ा नमक और फाइव क्रैब्स दे दो. देर वॉज अ बिग बास्केट विथ लाइव क्रैब्स ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पर एक बास्केट रखी हुई थी और उसमें बड़े बड़े मोटे मोटे क्रैब्स थे. कार्ली पैक्ड एट द क्रैब एंड मेड इट एंग्री. कार्ली जो रूस्टर है उसने क्या किया, अपनी जो बीक है, बीक मीन्स चोंच है, चोंच से उन क्रैब्स को परेशान करना चाहा, तो उन्हें हिट किया या फिर बिट किया. चाय स्निफ्ड अराउंड द क्रैब्स एंड वन क्रैब ऑलमोस्ट पिंच्ड हिज नोज. और जो चाय है, जो डॉग है, डॉग्स की हैबिट होती है ना, हमेशा जब उनके सामने कोई चीज़ होती है या वो कुछ खाते भी हैं तो पहले उसे सूंघते हैं, है ना. तो यहाँ पर जो कार्ली जो डॉग है वो भी पहले उन क्रैब्स को सूंघ रहा था, है ना. तो तभी एक क्रैब को गुस्सा आया और उसने उसके जो नोज़ है उस पर पिंच किया. मिकी पुट द क्रैब्स इन स्मॉल केन बास्केट एंड द सॉल्ट इन वाइट पेपर बैग. ही गेव दैम टू जॉहन. सो मिकी ने क्या किया, मिकी मीन्स द शॉपकीपर, उसने क्या किया, उसने जो क्रैब्स हैं वो एक छोटी केन की बास्केट बनी हुई थी उसमें रख दिए, और सॉल्ट जो नमक है उसे वाइट पेपर बैग में डाल के जॉहन को दे दिया. एज जॉहन लेफ्ट द शॉप ही हर्ड हिज फ्रेंड्स कॉल आउट टू हिम, जॉहन व्हाट आर यू डूइंग, कम एंड सेल पेपर बोट विद अस. तो जब जॉहन दुकान से निकला चीज़ें खरीद कर तो रस्ते में उसने क्या देखा कि उसके कुछ फ्रेंड्स हैं वो खेल रहे हैं और वो उसे आवाज़ लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं जॉहन व्हाट आर यू डूइंग, जॉहन तुम क्या कर रहे हो, कम एंड सेल पेपर बोट विद अस, आओ और हमारे साथ तुम भी पेपर बोट सेल करो. हिज फ्रेंड्स वर हैविंग सो मच फन प्लेइंग नियर द रिवर. कम ऑन कार्ली चाय, लेट्स गो एंड हैव सम फन. सो जब उसने अपने फ्रेंड्स को देखा इतने मज़े करते हुए और एन्जॉय करते हुए, तो उसने उसके मन में भी आ गई कि देखो मेरे दोस्त कितना एन्जॉय कर रहे हैं, दे आर हैविंग फन. सो ही इन्वाइटेड कार्ली एंड चाय ऑल्सो टू हैव फन विद ऑल ऑफ द फ्रेंड्स. कार्ली एंड चाय लुकड अप एट द जॉहन. वॉट अबाउट द क्रैब्स एंड द सॉल्ट, मदर आस्क फॉर, दे सीम टू आस्क. जब जॉहन ने ये कहा कि चलो हम भी उनके साथ खेलते हैं, तब कार्ले और जो चाय है वो जॉहन की तरफ देखने लग गए. वो इस तरह से देखने लग गए कि मानो वो पूछ रहे हो कि जब मम्मा ने जो नमक और जो क्रैब्स लाने को कहा है, सॉल्ट और क्रैब्स लाने को कहा है, उसका क्या, क्योंकि वो तो हमारे पास ही है ना. नेक्स्ट पेज. जॉहन अंडरस्टूड देयर क्वेश्चन. Will send the crabs home. I'll put the salt on them. Mother will get salted crabs, he said. So what he said? अब देखो वो क्या करता है. जॉहन अंडरस्टूड देयर क्वेश्चन. तो जॉहन को समझ में आ गया कि जो रूस्टर और जो डॉग हैं वो उसे क्या पूछना चाहते हैं. Will send the crabs home. I will put the salt on them. तो जॉहन ने कहा कि हम क्रैब्स क्योंकि वॉक कर सकते हैं, दे कैन वॉक, सो आई विल सेंड देम, मैं उन्हें घर भेज देता हूँ और जो सॉल्ट है वो उनके ऊपर डाल देता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मम्मा के पास पहुँच जाएगा. मदर विल गेट सॉल्टेड क्रैब्स, और मम्मी के पास सॉल्टेड क्रैब्स पहुँच जाएंगे.
तो स्टूडेंट्स, देखा आपने किस तरह से जोहन अपना काम क्रैब्स पे डाल रहा था कि क्रैब्स अपने आप ही घर पहुंच जाएंगे। सो हुआ ना वो लेजी और केयरलेस, तो इस तरह से उसने सोचा कि मैं क्रैब्स को घर भेज दूंगा, वो चलते चलते घर पहुंच जाएंगे और नमक उनके ऊपर डाल दूंगा, तो मदर के पास नमक भी पहुंच जाएगा और क्रैब्स भी पहुंच जाएंगे। तो ये उसकी मतलब ये उसका आइडिया था कि इस तरह से क्रैब्स पहुंच जाएंगे और मम्मी को क्रैब्स और नमक तो मिल जाएगा और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल भी लूंगा। ही एम्प्टीड द पैकेट ऑफ सॉल्ट ऑन द क्रैब्स, तो उसने क्या किया, जो सॉल्ट का पैकेट था वो क्रैब्स के ऊपर खाली कर दिया। देन ही टुक द क्रैब्स आउट ऑफ द बास्केट, द क्रैब्स विंक्ड एट ईच अदर एंड स्टार्टेड रनिंग। देन ही टुक आउट द क्रैब्स, और उसने क्या किया, बास्केट से क्रैब्स को निकाला, नीचे जमीन पर रखा। द क्रैब्स विंक्ड एट ईच अदर एंड स्टार्टेड रनिंग, तो क्रैब्स को और क्या चाहिए था, विंक्ड करना मतलब आँख मारना है ना, एक आँख बंद करना। तो जो क्रैब्स हैं दे विंक्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को आँख मारी और भागने लग गए। नाउ गो होम क्विकली, मदर इज वेटिंग, टर्न राइट एट द क्रॉसिंग, इट इज़ द लास्ट हाउस इन द लेन, जॉहन शाउटेड टू देम। अब जॉहन उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि नाउ गो होम क्विकली, अब तुम जल्दी से घर चले जाओ और जो मम्मा है वो तुम्हारा वेट कर रही है। टर्न राइट एट द क्रॉसिंग, क्रॉसिंग पे जाके राइट टर्न हो जाना, वहाँ जो लेन है, गली है, वहाँ पर जो लास्ट घर है वही हमारा घर है। सो जॉहन शाउटेड एट देम, और इस तरह से जॉहन उन पे चिल्ला के बोला है ना। तो जॉहन इस तरह से उन्हें उनसे बात कर रहा था जैसे कि वो क्रैब्स चले ही जाएंगे, पहुँच ही जाएंगे। सो था ना वो लेजी और केयरलेस। द क्रैब्स वेव देयर पिंसर्स एट जॉन, जॉहन, दे क्विकली फाउंड देयर वे टू रिवर एंड दिसअपीयर, जॉहन जॉइंट हिज फ्रेंड्स। द क्रैब्स वेव देयर पिंसर्स एट जॉहन, सो स्टूडेंट्स यू कैन सी इन द पिक्चर डाउन, और वहाँ पर पिंसर्स की पिक्चर दे रखी कि क्रैब्स का वो जो पार्ट होता है ना, हम एक तरह से कह सकते हैं उनका हाथ जो जिससे वो पकड़ते हैं कोई चीज़, उन्हें पिंसर्स कहते हैं। सो क्रैब्स वेव देयर पिंसर्स एट जॉहन, उन्होंने अपने पिंसर्स को जॉहन की तरफ हिलाया। एंड दे क्विकली फाउंड द वे टू रिवर एंड डिसअपीयर, और फटाफट वो लोग रिवर की तरफ निकल पड़े और फिर वहाँ गायब हो गए। जॉहन जॉइंड हिज फ्रेंड्स, और जॉहन को इन बातों का पता नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया और वो अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलने लग गया। वेयर इज योर बोट जॉहन, हिज फ्रेंड्स आस्क, उसके फ्रेंड्स ने पूछा, जॉहन लेकिन तुम्हारी बोट है कहाँ पर। हेयर इट इज ही सेड, शोइंग दैम द फोल्डेड वाइट सॉल्ट पैकेट, तो उसने कहा कि उसने जो सॉल्ट की जो पैकेट थी वाइट कलर की, उसने उसको बोट बना ली और उसको कहा कि मेरी बोट तो यहाँ पर है। जॉहन कंटिन्यू टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स टिल सनसेट, और जॉहन अपने फ्रेंड्स के साथ शाम तक, जब तक कि सनसेट नहीं हुआ तब तक खेलने लग गया। देन ही वेव्ड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स एंड स्टार्टेड फॉर होम। सो देन आफ्टर एट द सनसेट टाइम ही वेव्ड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स एंड स्टार्टेड फॉर होम। एज दे वर रिटर्निंग चाय हर्ड अ फैमिलियर विसल, और जब वो लोग वापस आ रहे थे तो चाय जो है उसे एक विसल सुनाई दी, एक सीटी सुनाई दी। ही बिगैन टगिंग एट जॉहन्स ट्राउजर, टगिंग मीन्स पुलिंग, तो वो जॉहन की ट्राउजर जो है, पैंट है, वो पुल करने लग गया। ओ मदर इज कॉलिंग, आई मस्ट हरी, सेड जॉहन। जॉहन बोला हाँ हाँ मम्मा बुला रही है, अब मुझे जल्दी निकलना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए, जल्दी पहुँच जाना चाहिए। When he reached his house, his very angry mother was waiting at the door. और जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी मम्मा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा था, क्योंकि कब उसने उन्हें सॉल्ट और क्रैब परचेज करने के लिए भेजा था और सनसेट हो गया, वो तब तक नहीं पहुंचा था, तो उसकी मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। Where are the crabs and the salt? I asked you to get Johan. उसकी मम्मी ने क्वेश्चन किया कि मैंने तुम्हें सॉल्ट और क्रैब्स खरीदने के लिए भेजा था, वो दोनों चीजें कहाँ हैं और तुम अब आ रहे हो घर पर। द क्रैब्स कुड वॉक सो आई सेंड देम होम, आई पुट द सॉल्ट ऑन देम सो दैट दे कुड कैरी इट होम टू यू। सो उसने कहा कि वो क्रैब्स जो हैं वो तो चल सकते हैं, इसलिए मैंने उन्हें कह दिया था कि तुम घर चले जाना, और जो सॉल्ट है वो मैंने उनके ऊपर रख दिया था ताकि वो तुम्हारे पास पहुंच जाए। आई इवन टोल्ड देम द वे होम, और मैंने उन्हें घर का रास्ता भी बता दिया था मम्मा। But the disobedient crabs must have taken a shortcut through the river.
बट द डिसओबीडियंट क्रैब्स मस्ट हैव टेकन अ शॉर्टकट थ्रू द रिवर. और उसने कहा कि जो क्रैब्स हैं दे आर वेरी डिसओबीडियंट, दे आर नॉट ओबेइंग मी. आई थिंक दे माइट हैव टेकन द वे फ्रॉम द रिवर. शायद वो रिवर से शॉर्टकट लेते हुए यहाँ आएंगे. आई गो एंड फाइंड दैम. मैं जाता हूँ और उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ. तो क्या अब वो जौहन जब उन्हें ढूंढने जाएगा क्या वो उसे मिलेंगे? नहीं ना. जौहन सेड विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस. लेकिन जौहन को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो जाएगा और क्रैब्स शायद उसे वहीं मिल जाएंगे. सो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. जौहन्स मदर लाफ्ड, देन हर फेस बिगन टू टर्न रेड. और जौहन की जो मदर है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी कि उसका जो फेस है वो हंसते हंसते लाल हो गया. बिकॉज जो जौहन की जो बातें हैं वो उसे बड़ी फनी लगी. और शायद आप सबको भी फनी लग रही हो क्योंकि क्रैब्स कभी भी अपने आप चल के घर तक कैसे पहुँचेंगे. बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द लेजीनेस एंड केयरलेसनेस ऑफ जौहन दैट ऑल दिस थिंग्स हैपेंड. जौहन रश टूवर्ड्स द रिवर. कार्ली एंड चाय फॉलोड हिम. एज जौहन वॉज कॉन्फिडेंट, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस था कि वहाँ जब वो जाएगा तो क्रैब्स उसे मिल जाएंगे, तो वो ज़रूर उन्हें ढूंढ पाएगा और उन्हें घर ले आएगा. तो वो वहाँ रिवर की तरफ आगे चल पड़ा और जो कार्ली और चाय है उसके जो कंपेनियन डॉग और रूस्टर उन्होंने उसे फॉलो किया. ओके सो स्टूडेंट्स, आई एडवाइज यू कि आप इस जौहन की तरह ना तो लेजी बनो ना केयरलेस बनो. जैसा आपको कहा जाए उस चीज़ को सोचो, समझो, सीरियसली उसे उस जो भी टास्क आपको दिया जाए उसे परफॉर्म करो. ओके, डोंट बी केयरलेस एंड लेजी. ओके सो स्टूडेंट्स, एन्जॉय द स्टोरी. यू हैव टू रीड द होल स्टोरी एंड वेर एवर देर आर डिफिकल्ट वर्ड्स यू हैव टू अंडरलाइन दैम एंड लर्न ऑल दोज स्पेलिंग्स. ओके सो स्टडी हार्ड, कीप ऑन लर्निंग. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.